नमस्कार दोस्तों, मैं धर्म आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी हाउस में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं कुवैत से रिलेटेड इम्पोर्टेंट इश्यू या कुवैत इश्यू, जो अभी बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है। तो चलिए बिना देर के इसे शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे, तो एक एक करके चीजों को जरा देख लें। तो सबसे पहले पढ़ने वाले हम पर्शियन गल्फ रीजन कहाँ है, दूसरा कुवैत पॉपुलेशन स्ट्रक्चर कैसा है, तीसरा अभी कुवैत न्यूज में क्यों है, चौथा एक्सपेक्ट कोटा बिल क्या है, इस बिल को लाने का रीजन क्या है नेक्स्ट, और लास्ट है इंडिया के पर्सपेक्टिव से कैसा है ये बिल। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर मेनली, ये छह तरीके के सवाल हैं जिनको हम देखने वाले हैं। एक्चुअल में मेन तो हमारा एक्सपेक्ट कोटा बिल ही है, मगर उसे समझने के लिए हमें सारी चीजें समझनी पड़ेगी, और क्योंकि हम भारतीय हैं और हमसे इसका रिलेशन है, तो फिर इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी उसे देखना पड़ेगा। सबसे पहले पर्शियन गल्फ रीजन कहाँ है, तो देखिए द लैंड अराउंड द पर्शियन गल्फ आर शेयर्ड बाय 8 कंट्रीज, नेमली बहरेन, ईरान, इराक, कुवैत, ओमन, कतार, सऊदी अरेबिया एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई। पर्शियन गल्फ रीजन जो है 8 देशों से घिरा हुआ रीजन है, जो पर्शिया गल्फ है ठीक है, उसके आसपास के देशों को पर्शियन गल्फ रीजन कहते हैं। चलिए इसे और अच्छे तरीके से मैप से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहां पर आप मैप में देख पा रहे हैं, ये वाला रीजन जो है ये पर्शियन गल्फ है, और इधर आप देख पा रहे हैं ये गल्फ ऑफ ओमन है ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ऊपर होके देखें तो ये इंडिया, इधर पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान और इधर ईरान। तो बेसिकली यहां से एक ही देश, पाकिस्तान के बाद अगर पाकिस्तान के थ्रू अगर देखें तो ईरान सीधे आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर 8 देश कौन कौन से हैं जो पर्शियन गल्फ को घेरे हुए हैं। ये पर्शियन गल्फ है आपका, यहाँ पर ही आप देख पा रहे हैं ये पूरा पर्शियन गल्फ है। तो यहाँ पे नॉर्थ में सबसे पहले ईरान, कैपिटल इसकी तेहरान, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ईरान कैपिटल तेहरान। ईरान के बाद अगर इधर आएंगे तो इधर इराक, कैपिटल बगदाद, इधर फिर नीचे इधर आएंगे सऊदी अरब, कैपिटल रियाद, फिर इधर आएंगे इराक के नीचे ये है कुवैत ठीक है, और कैपिटल कुवैत सिटी। फिर इसके नीचे आएंगे, इधर आप देख पा रहे हो ये बहरेन ठीक है, कैपिटल मनामा, ये आप देख पा रहे हैं कैपिटल मनामा। फिर इसके पास इधर ये कतार या कतर, ये कैपिटल दोहा, यहां पर देख पा रहे हैं आप। फिर इसके बगल में आएंगे आप ये यूएई, ये वाला यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अबू धाबी, इसी का एक दुबई बहुत फेमस शहर है, यहीं पर ही है। और इधर ये ओमन ठीक है, कैपिटल मस्कत, ये यहां तक ऊपर तक है ऐसे करके, और यहां पर ये पर्शियन गल्फ भी है। तो ऐसे करके ये 8 देश है। दोबारा से इधर ईरान कैपिटल तेहरान, इराक कैपिटल बगदाद, सऊदी अरेबिया कैपिटल रियाद, कुवैत कैपिटल कुवैत सिटी, बहरेन यहाँ पे कैपिटल मनामा ठीक है, कतर कैपिटल दोहा, इसके बाद ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कैपिटल अबू धाबी, और ये ओमन कैपिटल मस्कत। तो ऐसे करके ये वाला रीजन जो है, ये कंट्रियों का रीजन आप ऐसे कह सकते हो, ये वाला रीजन, इन देशों का रीजन जो है, इन सबको मिला के क्या बोलते हैं, तो गल्फ रीजन बोलते हैं ठीक है, या पर्शियन गल्फ रीजन बोलो ठीक है, या अरब गल्फ रीजन बोलो, एक ही बात है। अब बात ये आती है कि ये न्यूज में क्यों है अभी बहुत ज्यादा, उसे समझने से पहले मैं आपको कुछ यहां से कुछ चीजें बता दूं। देखो यहां पर सबसे पहली चीज तो ये सारे के सारे देश ज्यादातर क्या है, बहुत ही ज्यादा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, वर्ल्ड में बहुत ज्यादा ऑयल क्या एक्सपोर्ट करते हैं, और इनकी इकोनॉमी ज्यादातर ऑयल पर ही डिपेंडेंट है, जो इनकी इनकम है वो ऑयल एक्सपोर्ट से ही ज्यादातर है ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो है गल्फ ऑफ ओमन है, ये वाला रीजन गल्फ ऑफ ओमन है, और इधर ये अरेबियन सी है ठीक है, और इसके नीचे इंडियन ओशन है। अब देखो यहाँ पर ये जो पर्शियन गल्फ है, पर्शियन गल्फ से गल्फ ऑफ ओमन कनेक्टेड है यहाँ पर, ये नैरो स्ट्रिप से, और इस नैरो स्ट्रिप का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज ठीक है। अब मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बनाई है इन सब चीजों के ऊपर कि स्ट्रेट क्या के किसे कहते हैं, तो आप प्लीज जाके देख लेना। एक नैरो वाटर बॉडी है ठीक है, जो एक वाटर बॉडी को, बड़ी वाटर बॉडी को दूसरी बड़ी वाटर बॉडी से कनेक्ट करती है। देखिए ये पर्शियन गल्फ है और ये गल्फ ऑफ ओमन है,
ये पर्शियन गल्फ गल्फ ऑफ ओमन से कनेक्टेड है किसके थ्रू? ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के थ्रू, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है, ठीक है। अब ये नैरो वाटर बॉडी है, अब सोचो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये ना हो तो यहाँ पे पर्शियन गल्फ वाली जो कंट्री है, ये जो ऑयल बाय सी रूट भेजती हैं, वो इसी के थ्रू भेजती हैं यहां से, ऐसे करके पर्शियन गल्फ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से गल्फ ऑफ ओमान, फिर अरेबियन सी, और फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाता है यहां से। अगर ये ना हो तो फिर ये ऑयल यहां से क्या है, ट्रांसपोर्ट ना कर पाए, दूसरे देशों को एक्सपोर्ट ना कर पाए, इसलिए इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। अब क्योंकि ये इश्यू न्यूज में चल रहा है, तो इसलिए डेफिनेटली यहां से सवाल बनेगा, इन कंट्रियों से रिलेटेड या गल्फ कंट्रीज पूछ ली जाए, या उनकी कैपिटल पूछ ली जाए, ठीक है, या स्ट्रेट हॉर्मज पूछ ली जाए, या पर्शियन गल्फ जो है उससे रिलेटेड कंट्री कौन सी है, या गल्फ ऑफ ओमन कहां पर है, ये कुछ भी पूछ लिया जा सकता है यहां से। और एक और बात बता दूं, ये इसी रीजन में, यहाँ पर ईरान वाले रीजन में यहीं पर ही चाबहार पोर्ट है, जिसे इंडिया डेवलप कर रहा है फ्यूचर के लिए। तो ऐसे करके ये सारी चीजें हैं यहाँ पर। अब ऐसे करके आपको क्या समझ में आया, यहाँ पर समझ में आया कि जो गल्फ कंट्रीज जो हैं वो कौन कौन सी हैं और कहाँ पर है। देखिए सबसे पहले अब कुवैत कहाँ पर है, तो कुवैत आप यहाँ पर देखिए अच्छे तरीके से, आप कुवैत के बारे में थोड़ा देख लो, ये है कुवैत, यहाँ पर ये देख पा रहे हो, ये है कुवैत और इसकी कैपिटल कुवैत सिटी। नॉर्थ में क्या है, एक तरीके से इसके इराक है, और इधर साउथ वेस्ट में इधर कौन सा है, सऊदी अरब है, और इधर इधर नॉर्थन साइड में क्या है, पर्शियन गल्फ है, पूरा इधर ईस्ट और इधर की नॉर्थ की तरफ पर्शियन गल्फ है। तो ऐसे करके इधर इराक, सऊदी अरब और पर्शियन गल्फ से घिरा हुआ है ये, इसकी कैपिटल कुवैत सिटी है। अब यहाँ पर ये न्यूज में चल रहा है, क्यों न्यूज में चल रहा है, ये सारी बातों को एक एक करके समझेंगे। देखिए कुवैत का पॉपुलेशन स्ट्रक्चर कैसा है, इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हमारा जो आज का मुद्दा है वो पूरा हो पाएगा। तो देखिए सबसे पहले टोटल पॉपुलेशन ऑफ कुवैत जो है वो है 4.5 मिलियन, 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, तो 4.5 मिलियन बराबर कितना हो गया, लगभग लगभग 45 लाख के आसपास हो गया। तो इनकी पॉपुलेशन लगभग लगभग 45 लाख के आसपास है, और एक्सपैट पॉपुलेशन अप्रोक्स 3 मिलियन है। अब एक्सपैट, एक्सपैट किसे कहते हैं, तो एक्सपैट होता है जैसे कोई भी व्यक्ति जब अपना देश छोड़ के दूसरे देश में रहता है, तो दूसरे देश में वो एक्सपैट कहलाता है। मतलब जैसे हम भारतीय अगर कुवैत में जाके रहें तो हम एक्सपैट कहलाए, कहां पे, कुवैत में। ऐसे ही दूसरे अलग अलग देशों के लोग भी अगर कुवैत में जाके रहेंगे तो एक्सपैट कहलाएंगे वहां पर। अब जैसे सपोज करो किसी और देशों के लोग जो इंडिया में आके रह रहे हैं यहाँ पे, वो हमारे भारत के लिए एक्सपैट है, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पर जो कुवैत की टोटल पॉपुलेशन है वो 4.5 मिलियन है और एक्सपैट पॉपुलेशन 3 मिलियन। अब आप समझ रहे हो यहाँ पर 30 लाख लोग, आप समझ रहे हो यहाँ पर 30 लाख लोग बाहर से आके रह रहे हैं। मतलब वहां पर कुवैत जो है वो माइनॉरिटी में है, कुवैत की जो पॉपुलेशन है, और मेजोरिटी में कौन है, जो बाहर से आए हुए लोग हैं वहां पर। अब देखो, अब इंडियन कितने हैं कुवैत में, तो अप्रोक्स 1.5 मिलियन है, 15 लाख के आसपास भारतीय वहां पर, और जो एक लार्जेस्ट एक्सपैट पॉपुलर कम्युनिटी है किसी वहां पर कुवैत के अंदर, इतनी कम्युनिटी या इतनी पॉपुलेशन किसी एक देश की या लोग नहीं रहते कुवैत में, सबसे ज्यादा भारतीय ही है वहां पर, ठीक है। अब बात आती है, अप्रोक्स 28,000 इंडियन वर्कर्स जो है वहां पर गवर्नमेंट जॉब्स में है, जैसे नर्सेस हैं वहां पर, इंजीनियर्स हैं, या ऑयल कंपनीज में, या साइंटिस्ट वगैरह, ऐसे करके लगभग लगभग 28,000 भारतीय हैं। 5 लाख से ज्यादा वहां पे प्राइवेट वर्कर्स हैं, करीब करीब 60,000 से ज्यादा वहां पे हमारे स्टूडेंट्स हैं, बाकी उनके ऊपर डिपेंडेंट लोग हैं, और ऐसे करके सब मिला के लगभग लगभग कितने हैं, लगभग लगभग 1.5 लाख हैं, और ज्यादातर लोग केरल से हैं, ठीक है, क्योंकि केरल सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या है, लोगों को भेजता है, केरल से बहुत ज्यादा वर्क फोर्स यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है। अब देखिए अभी कुवैत न्यूज में क्यों है, अब इसे समझने लायक हो गए हैं, तो चलिए देखते हैं। Recently, the Legal and Legislative Committee of the Kuwaiti's National Assembly has approved the draft expat या expatriate quota bill. अभी recently क्या किया है? कुवैत जैसे हमारे देश में जो पार्लियामेंट है हम संसद कहते हैं, वैसे ही वहां के संसद का नाम है National Assembly. National Assembly के अंदर एक कमिटी बनी, आप ऐसे समझ लो लीगल एंड लेजिस्लेटिव कमिटी, उसने क्या किया है, जो ये एक्सपेक्ट कोटा बिल है इसको अलाउ कर दिया है, या परमिशन दे दिया है, या अप्रूव कर दिया है, आप ऐसे समझिए। और अब इसे पार्लियामेंट भी अगर वहां का अलाउ कर देता है, तो फिर
ये एक बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो इसी के ऊपर, इसी की वजह से कुवैत अभी न्यूज में है, और चलिए इसी को लेके अब आगे समझने की कोशिश करते हैं। अब एक्सपैट कोटा बिल क्या है इसे देखें, क्योंकि इसके बिना कुछ है ही नहीं। तो देखिए, सबसे पहली बात, द कुवैत एक्सपैट ड्राफ्ट अ लॉ कॉल्स टू इंट्रोड्यूस अ कोटा फॉर एक्सपैट्स इन द कंट्री टू रिड्यूस द परसेंटेज ऑफ फॉरनर्स इन द कंट्री हुज नंबर सरपास द लोकल पॉपुलेशन इन द कंट्री। अब देखो यहां पर क्या है, कुवैत एक ऐसा बिल लेकर आ रहा है, एक ऐसा कानून लेकर आ रहा है, जिसमें वो क्या है, अपने देश के अंदर जो वहां की पॉपुलेशन है, जो वहां की पॉपुलेशन कम है और वहां पर बाहर से आए लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है, उसको कंट्रोल करने के लिए वो माइनॉरिटी जो कंट्री बनता जा रहा है, खुद का होते हुए भी माइनॉरिटी पॉपुलेशन कंट्री बनता जा रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए वो ये कानून लेकर आया है या ला रहा है, जिसमें वो अपने देश के लोगों को क्या करेगा, पॉपुलेशन को आगे रखेगा और बाहर के से जो लोग आ रहे हैं उनकी पॉपुलेशन एक लिमिट में करेगा। अब देखिए यहाँ पर, लॉ मेकर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत हैव बीन कॉलिंग टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एक्सपैट्स फ्रॉम 70% टू 30% ऑफ द पॉपुलेशन। अब देखिए यहाँ पर लगभग 70% जो लोग हैं वो विदेशों से आए हुए हैं, जो वहां पर रह रहे हैं किसी ना किसी वजह से, और उसे रिड्यूस करके कितना लाना है, 30% ऑफ द पॉपुलेशन लाने की बात कर रहे हैं वहां के लॉ मेकर्स और वहां की गवर्नमेंट सब। अकॉर्डिंग टू द बिल द इंडियन शुड नॉट एक्सीड 15% ऑफ द पॉपुलेशन एंड इफ इट इज इनेक्टेड इनटू अ लॉ ओवर 8 लाख इंडियंस कुड बी फोर्स्ड आउट ऑफ द कुवैत। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अगर ऐसा कुछ होता है तो ये प्लान कर रहे हैं कि 15% पॉपुलेशन जो है वही सिर्फ भारतीयों की वहां पर रहे, उससे ज्यादा वो जो उनकी टोटल पॉपुलेशन उनका 15% भारतीय रहे, और अगर ऐसा होता है तो लगभग 8 लाख लोग जो है हमारे भारतीय जो है वहां से उन्हें आना पड़ेगा और अपनी दूसरी कहीं जॉब या भारत में आना पड़ेगा या कहीं और जाना पड़ेगा। ठीक है, The draft law will impose a cap on the number of expats and gradually reduce them almost 5% on yearly basis. अब उन्हें वो बोल रहे हैं कि एक साथ नहीं निकालेंगे, हर साल 5-5% निकालेंगे, कम करेंगे, ठीक है, और उसे 30% तक लेकर आएंगे। For example के लिए, if expats constitute 70% of the population this year, next year it will 65% and 60% in the following year. मतलब इस अगर 70% है तो अगले साल 65% होगी 5% कम करके, और फिर अगले साल 65% है तो फिर और अगले साल 5% और कम के 60% करनी है। ये है एक्सपेक्ट कोटा बिल के फीचर्स, और अगर ये इनेक्ट होता है तो, ठीक है, दोबारा से मैं बता दूं यहाँ पे बात कर लें इसमें क्या है। तो यहाँ पर ये एक ऐसा बिल है जो 70% जो पॉपुलेशन है कुवैत की वो विदेशियों की है और 30% पॉपुलेशन उसकी खुद की है, तो वो जो विदेशियों की 70% पॉपुलेशन है उसे 30% पे लाना है हर साल 5% कम करके, और अगर वहां पे जो करीब करीब 15 लाख भारतीय हैं, अगर वहां पे ऐसा होता है और 15% भारतीयों को ही वहां पे रखने की बात की जा रही है, तो अगर ऐसा होता है तो 8 लाख जो वर्क फोर्स है, इंडियन वर्क फोर्स है वहां से, उसे आना पड़ेगा अलग जगह। ठीक है, तो ये एक्सपेक्ट कोटा बिल है। अब देखिए यहां पे अब देखना जरूरी है कि इस बिल को लाने के रीजन क्या है या जरूरत क्या पड़ी। द ऑयल प्राइस क्रैश हैज अफेक्टेड द कंट्रीज इकोनॉमिक कंडीशंस। अब देखो यहां पे क्या देख रहे हो कि यहां पे ऑयल प्राइस का जो है क्रैश हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में, और ऑयल प्राइस का क्रैश होने की वजह से ये सारे हालात हैं। आपको एक बात अच्छे तरीके से पता है कि अभी मैंने बताया कि ज्यादातर कंट्री जिस रीजन में है, गल्फ रीजन में, वहां की सारी कंट्री ऑयल प्रोड्यूस करती है और उनकी मैक्सिमम जो इकोनॉमी है वो ऑयल के एक्सपोर्ट पर ही डिपेंड करती है। अब आपको पता है इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइस क्रैश कर चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, यहाँ की कंपनीज को भी और गवर्नमेंट को भी, दोनों को ही कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ की कंपनियां भी क्या कर रही थी, पहले बहुत सारी कंपनी यहीं की नहीं, वर्ल्ड वाइड ये चीज हो रही है कि वो अपने एम्प्लॉयज को कट कर रही है, ठीक है, अपने लॉसेस को मेंटेन करने के लिए, और ऐसे ही अब गवर्नमेंट भी प्लान कर रही है उसी की तरह कि उसको जो लॉसेस हो रहे हैं वो भी क्या कर रही है, ठीक है, वहां से एम्प्लॉयज को कम कर रही है। सबसे पहला रीजन तो ये है। दूसरा, एंटी एक्सपैट एस्पिरेशंस हैव बीन राइजिंग इन द कुवैत सिंस द बिगिनिंग ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक। अब आपको पता है कि इस टाइम पे कोविड-19 एक महामारी विश्व में फैली हुई है,
जिसकी वजह से वहां पर एक विदेशियों के प्रति एक अजीब सी भावना आ गई। क्यों? क्योंकि foreigners have accounted for the majority of Kuwaiti's virus cases as the disease spread among the migrant workers living in the overcrowded housing. ऐसा माना जा रहा है कि वहां पर जो कोविड के केसेस हुए हैं वो कहीं ना कहीं विदेशियों से आए, इस वजह से वहां पर ये एक और एंटी एक्सपेक्ट भावना और शुरू हुई। एक दूसरा रीजन सबसे बड़ा ये है। इसके अलावा कुवैत हैज बीन वर्किंग टू रिड्यूस इट्स डिपेंडेंस ऑन फॉरेन वर्कर्स। अब क्योंकि इकोनॉमी कहीं ना कहीं सभी देशों की क्या है डिक्लाइन फेज में जा रही है या कम हो रही है, तो इसी वजह से वो भी क्या चाहते हैं कि वो अपनी जो डिपेंडेंस है वो फॉरेन वर्कर्स पे नहीं चाहते। इट नो लॉन्गर वॉन्ट टू रिमेन एन एक्सपेट मेजोरिटी नेशन विद इट्स ओन सिटीजन टर्निंग इन टू अ माइनॉरिटी। वे ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते कि वे अपना जो देश होते हुए भी उनकी खुद की पॉपुलेशन माइनॉरिटी में चले जाए और एक्सपेट पॉपुलेशन जो है वो मेजोरिटी में चली जाए। वे ऐसा नहीं चाहते, वे विदेशों पर डिपेंड होना नहीं चाहते। तो ऐसे करके ये मुख्य कारण थे इस बिल को लाने के। ठीक है, अब देखिए इंडिया के पर्सपेक्टिव से कैसा है ये, इंडिया को क्या है फायदा है नुकसान है। तो चलिए यहां पर देखें, Indians are present in all segment of the society in Kuwait and are largely considered disciplined, hardworking and law-abiding. भारतीय जो हैं वो कुवैत के हर सेगमेंट में अलग अलग फैले हुए हैं, वे अनुशासन में रहते हैं, मेहनती होते हैं और कानून को मानने वाले होते हैं। सबसे पहले रीजन, तो ये उनके लिए अच्छा है। The Indian community in Kuwait has always played an important factor in bilateral ties. अब आप एक बात सोचो, लगभग 15 लाख लोग हैं वहां पर भारतीय और लगभग 45 लाख कुवैत की टोटल पॉपुलेशन है। अब उसमें से ठीक है, अब इतने ज्यादा भारतीय हैं वहां पर, तो फिर दोनों देश के बीच में कहीं ना कहीं जब वार्तालाप होती है या बायलेटरल टाइज होती है तो इस बात को ध्यान रखा जाता है भारतीयों के, भारतीय सरकार द्वारा भी और कुवैत सरकार द्वारा भी। तो इस वजह से हमारे और अच्छे बेहतर बायलेटरल टाइज हो पाते हैं। इसके बाद कुवैत इज अ टॉप सोर्स ऑफ रेमिटेंस फॉर द इंडिया। भारत के लिए रेमिटेंस क्या होता है, तो देखो जो हमारे भारतीय जो बाहर रह रहे हैं वो हमारे देश को जो इनकम वहां से अर्न करके भेजते हैं या वहां से जो इनकम अर्न कर रहे हैं उसका कुछ पार्ट इंडिया में भेजते हैं, उसे रेमिटेंस कहते हैं। ऐसे ही कोई भी नागरिक जो अपने देश से दूसरे देश में जाके रह रहा है और वहां से अर्न करने के बाद जो भी कुछ अपने देश नेटिव कंट्री को भेज रहा है वो पार्ट रेमिटेंस कहता है कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे ही कुवैत में जो भारतीय रहते हैं वो भी अपने देश के लोगों को बहुत सारा पैसा भेजते हैं। इन 2018 इंडिया रिसीव नियरली $4.8 billion फ्रॉम द कुवैत एज अ रेमिटेंस, और 2018 में लगभग 4.8 billion $ कुवैत से एज अ रेमिटेंस आया था, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। ठीक है, आप बोलोगे हम 2019 का क्यों नहीं देख रहे, क्योंकि 2019 का भी फाइनेंशियल पूरा हो नहीं पाया था, उससे पहले ये COVID-19 ये इशू क्रिएट हो गया, इसकी वजह से हम उसे प्रीवियस ईयर को कंपेयर कर रहे हैं। तो ऐसे करके ये बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट करेगा अगर इस तरीके का कानून वहां पर पूरे तरीके से पास हो जाता है, और इंडिया को बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी इससे, क्योंकि हमारे पास पहले से ही यहाँ पर क्या है अनएम्प्लॉयमेंट है, और उसके बाद इस तरीके की चीजें वहां से और क्रिएट होंगी और हमारे जो लोग हैं वहां से और आएंगे, तो कहीं ना कहीं ये हमारे देश की इकोनॉमी पर भी असर डालेगा, और जो वहां से वो रेमिटेंस भेजते थे वो भी नहीं आएगी, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल इंडिया के लिए अच्छा नहीं रहेगा ये। ठीक है, और अभी हमारी भारत सरकार ने शायद यहां तक है अभी इस पर कोई ऐसे स्टेटमेंट तो नहीं दिया है, पर हो सकता है आपस में मिलके कुछ नया तरीका निकाल लें, बट अभी जो इश्यू न्यूज में चल रहा है वो यही है। तो इसीलिए आप याद रखिएगा इन सब चीजों को, और यहाँ पे मैं वीडियो खत्म करता हूँ, और अगर आपको ये वीडियो ठीक लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। थैंक यू।